इनका नाम पूनम है, ये भी मुंबई से हैं और इनसे इनके मुंह से सुनते हैं कि जब इस मिनिस्ट्री को इन्होंने देखना शुरू किया, जहाँ ये खुद की अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि ये क्यों प्रभु में आए, उसका कारण। ठीक है, आप बताओ, थोड़ा शुरू करो। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं बॉम्बे से हूँ। धन्यवाद यीशु परमेश्वर के दास के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन में जब दुख नहीं होता तो परमेश्वर नहीं मिलता, सच्चा मार्ग जीवन हमें कुछ भी नहीं पता चलता। देखो, मेरी मैरिड हो गई और मेरे हस्बैंड का बाहर किसी के साथ रॉन्ग रिलेशनशिप था, तो मैंने घर में बताया। तो हम हिंदू फैमिली से थे, तो हम बहुत बाबा के पास गए, हमने बहुत सारा खर्चा किया, दो तीन लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ, फिर भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। मेरे हस्बैंड का और ही गलत हैबिट्स बढ़ने लगी और गलत हैबिट्स बढ़ने लगी, और उसी समय हमें ये दीदी मिली, अनिता दीदी मिली। दीदी ने हमें सुसमाचार बताया और मैं प्रभु में आ गई। मुझे प्रभु के राज्य में सच्ची जानकारी मिली और मैंने देखा कि प्रभु ही सच्चा खुदा है और ये बनाया है, सब प्रभु ने बनाया। यस आमीन, प्रभु ने बनाया है। और एक साल से मैं यूट्यूब पे देखकर बहुत पास्टर बहुत सब देख रही थी सच में, लेकिन मेरे प्रॉब्लम का हाल नहीं निकल रहा था। मैं ए पास्टर को फॉलो कर रही थी, ओ पास्टर को फॉलो कर रही थी। एक दिन राज ब्रदर ने मुझे इस मिनिस्टर के बारे में बताया और बोले कि ब्रदर, अब बोले कि सिस्टर कुछ नहीं देखना है, यही मिनिस्ट्री फॉलो करो यही। तो मैंने सडनली फर्स्ट टाइम दूसरे ही दिन संडे था और मैंने देखना शुरू किया सडनली मैं सो गई। अरे मुझे गुस्सा आएगा, मैं बोली ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ। मैं देखती तो अच्छा फील करती। थर्सडे भी मुझे ऐसा हुआ गया कि मैं इस मिनिस्टर को फॉलो कर रही, मैं सो गई। फिर संडे आया, फिर भी ऐसा हो गया कि तुरंत थ्री मीटिंग में सो गई और मैं पापा से बहुत गुस्सा करने लगी। बोली कि ए कौन से पास्टर है कि मैं उनको देखती हूँ, सॉरी पापा। मतलब एक कौन से पास्टर है जिनको मैं देख रही हूँ और मुझे नींद आ रही है और गुस्सा भी आना है। देखो प्रभु ने मेरे लाइफ में कैसा काम किया। फोर टाइम जो मैंने देखा संडे, पूरी स्प्रीचिंग प्रभु ने अनुग्रह के द्वारा मैंने सुनी और उसी समय मुझे पवित्र आत्मा मिला और पॉजिटिव टीचिंग में इतनी आनंद से भरी और परमेश्वर की सच्ची शांति मुझे मिली। यस आमीन, परमेश्वर की सच्ची शांति मुझे मिली और परमेश्वर और उसी दिन मैंने तैयार किया कि मुझे इस चर्च में जाना है। दूसरे दिन मैंने कॉल सेंटर पर प्रेयर की और मुझे यहाँ आना है, तो उस सिस्टर ने बोला तुम ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि धन्यवाद यीशु, मैं आपके भवन में पहुँच चुकी है। मैंने लगातार वैसी प्रेयर की, आज एक महीने के अंदर मैं बिल्कुल इस भवन में खड़ी हूँ और जो मेरी प्रॉब्लम है हस्बैंड की, एक महीने से मेरे मतलब सच्चे मुझे हस्बैंड का कुछ याद भी नहीं आती, सिर्फ परमेश्वर की शांति में आज मैं बनी हूँ। लेकिन जो पापा से मैं नफरत करती थी उस नफरत से ज्यादा मैं पापा से बहुत प्यार करने लगी। आई लव यू सो मच पापा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनो एक चीज थोड़ा सा मैं बताता हूँ इनके जीवन के बारे, क्योंकि इनकी मेन प्रॉब्लम तो हस्बैंड की है, क्योंकि वो रॉन्ग रिलेशन होने के कारण ये प्रभु में आई। और ये सिस्टर जो अनीता जी, वो भी मुंबई से, उन्होंने इनके फ्लैट के पास ही उनका भी घर है, तो उन्होंने ये गुड न्यूज इन्हें दी और इन्होंने बिलीव किया और विश्वास किया। तो ये दो साल हो गए हैं प्रभु में, पर फिर भी बर्डन डिप्रेशन में बोझ है इनके ऊपर। तो देख तो रहे थे, बहुत सी मिनिस्ट्रियों को सुना, पास्टर जी को भी मिले कि ये मेरी प्रॉब्लम है, पर जैसे ही वो वाली शांति व सुकून मिल नहीं रहा था। और एक दिन फिर इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री को देखा, क्योंकि राज ये इसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा है। हाँ, परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री, इस चर्च की जो पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव प्रेम, पॉजिटिव विश्वास के बारे हाँ जो बताते हैं हम, तो जब पहली बार इन्होंने सुन लिया कि उन्होंने बोला कि इस मिनिस्ट्री को सुनो, पहली बार देखा तो नींद आ गई, दूसरी बार थर्सडे नींद, तीसरी बार भी तो ये गुस्सा हो गई मेरे पर। हाँ, ये कैसे पास्टर जी हैं, ये कैसे हैं। हाँ, लोग देख कर आनंदित होते और मुझे नींद आ रही है, मैंने नहीं इसे सुनना, मेरे पे गुस्सा हो गया। क्या हो गया, अब के बाद इन्हें नहीं देखना, क्या नहीं देखना।
मैं एक चीज सबको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डेविल शैतान जानता है कि ये मिनिस्ट्री जे बंदा ये सच्चा है। आप पता नहीं कैसे मुझे समझते हो, मुझे नहीं पता। तो डेविल शैतान जानता है कि अगर इस मिनिस्ट्री की टीचिंग इसे समझ आ गई, अनुग्रह के प्रबंध कैसे पता चल गया, ये खुद तो अपने जीवन में परमेश्वर से काम लेगी, पता नहीं औरों को कितनों को बचाएगी। हाँ, इसलिए उसने शैतान ने इसके साथ ऐसा किया कि इस मिनिस्ट्री से इसका मन हट जाए। क्या हट जाए, समझ आ रही है? पर परमेश्वर उससे भी महान है। हाँ, शैतान की सोच से उसकी सोच बहुत आगे है, समझते हो? तो फिर से परमेश्वर ने इसके मन को उकसाया और एक दिन जब ये फिर से इसने पूरा सरमन उस मिनिस्टर उस दिन की मीटिंग का पूरा सरमन इसने देखा तो पूरी तरह पवित्र आत्मा से भर गए और उसका मन, इसका मन ऐसे परमेश्वर ने खोला और आज आपके सामने मुंबई से इस चर्च में, पंजाब में, अमृतसर में। हाँ, और सबसे बड़ी गवाही इनकी ये है कि 2 साल से जो शांति इनके मन में नहीं थी, अभी हस्बैंड तो पास तो नहीं है पर बहुत जल्द ये मुझे विश्वास है कि यहीं पर अपने हस्बैंड के साथ ये गवाही देगी। पर ये अभी इसकी ये गवाही है कि इसने इस मिनिस्ट्री की जो पॉजिटिव शिक्षा को फॉलो किया और प्लस जो शांति है जो इसने पाई है। हाँ, क्योंकि इसके चेहरे से पता चलता है, सच में चाहे हस्बैंड अभी साथ नहीं है पर इसके चेहरे से पता जाए क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शांति से भर दिया। अगर उसने शांति दे दी है, हस्बैंड भी दे देगा, सब कुछ देगा और ये मोर पावरफुल ब्लेस होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। एक आशीष नहीं, आशीषों के ढेर होंगे। ओके, थैंक यू। परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। ठीक है।